यहाँ पे देखो उसमें जो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो 9:45 बजे तक की मिली है। ये उन सब के लिए था जो लोग कह रहे थे कि भाई तुमने वहाँ पे जूम किया, कट किया। सो हेलो गाइस, मैं दोबारा एक नए वीडियो में प्रो राइडर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं अभी आमिर माजिद के लिए भी कि वो वहाँ नहीं रुका या उसके बाइक से एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट आया है, आमिर माजिद ने एक वीडियो अपलोड करी है अपनी, जिसमें वो दिखा रहा है कि उसने रॉ फुटेज शेयर किया है, तो वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसके बाद आप डिसाइड करोगे कि क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी सूरज भाई ने भी एक वीडियो अपलोड करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि उन्होंने क्या बोला है और कैसे ये चीज प्रूफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी जो भी है वो तो रीसेंट अपडेट जो आएगी वो तो मैं शेयर करूंगा ही, बट फिलहाल आप ये क्लिप देखो। ये वाला जो क्लिप था वो मैंने कट करके जो स्पॉट था वो डाला था, बिकॉज़ द बीच का मैंने नहीं डाला। और सारे के सारे ये देखो यहां पे अगस्ता भाई है, अभी सारे के सारे भाई बोल रहे थे कि अगस्ता भाई का जो एक्सीडेंट हुआ है वो 300 की स्पीड में हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे मेरा मीटर कहीं पे 300 टच नहीं हुआ। अगर अगस्ता भाई 300 में होते ना तो वो मुझसे ओवरटेक कर जाते, कोई 300 में नहीं चल रहा था। मैं फिर बोल रहा हूँ कि उस दिन बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट चल रहा था, किसी ने अभी 300 नहीं मारा, सब राइड करने के लिए गए थे। अभी ये वाला क्लिप जो है, ये क्लिप आप देख के समझ जाओगे, यहीं पे मैंने जूम किया था एंड सब बोल रहे थे कि आमिर भाई इस साइड वाले में शायद अगस्ता भाई का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे कहीं पे, एंड आपने वो क्रॉप कर दिया इस साइड, हमें नहीं दिखा रहे हो। तो ये अभी ये वाला क्लिप देख लो ड्रैगन नाम, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। अभी कोई भी कट नहीं लगा कहीं पर भी और ये प्ले हो रहा है। ये यहाँ पे स्पॉट था, यहाँ मैंने जूम किया था, यहाँ पे जूम किया था मैंने, देख पा रहे हो क्या? ये चेक मारो यहाँ पे, ये वाला मैंने ऐसे जूम करके डाला था। एंड ये आप एक बार फिर से देख लो फुटेज को अच्छे से, मैं रिपीट पे डालूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप मिरर्स देख पा रहे होगे, ये वाला मिरर दिख नहीं रहा है, ये वाला मिरर आप देख पा रहे होगे, इस वाले मिरर में कहीं पे भी अगस्ता भाई जो है वो नहीं दिख रहे हैं। एंड थोड़ा सा और आगे करके ये वाला आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं। एंड अभी स्पीड है 180, तो मेरा मेन फोकस जो था ड्रैगन आर्म वो सीधा आगे रोड पे था। आप जूम करके देख सकते हो एक बार, अगस्ता भाई कहीं पे भी पीछे नहीं दिख रहे। सो गाइज, देखा आपने आमिर भाई ने कैसे उस चीज़ को बोला, उस चीज़ का रफ प्रूफ दिया, जो रॉ डेटा था, जो रॉ वीडियो थी उन्होंने दिखाई, ठीक है। तो बाकी अब देखते हैं सूरज भाई ने अपनी वीडियो में उनके लिए क्या बोला और कैसे एक्सप्लेन किया जो चीज़ है, कि सूरज भाई भी वहाँ पे दोबारा गए थे तो उन्होंने भी उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो वो फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो। सबसे पहली चीज़, जेवर टोल से 35 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जेवर टोल से 8.7 किलोमीटर के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं लौट रहा था तो मैंने सारी चीजें देखी कि वो साइन बोर्ड 8 किलोमीटर के आसपास ही था, ठीक है। उसके बाद ये लोग वापस लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, तब हुआ था। और जो वो स्पॉट ऐसा है कि अलीगढ़ से एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ते हैं, मेन अलीगढ़ का एरिया उस साइड है, वहां से चढ़ते हैं एक्सप्रेसवे पे, बस वहीं पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। उस पर टाइमिंग, आज पुलिस को कैमरा भी मिल गया, मैंने आपको बताया था कि कैमरा ऐसे नहीं कोई उठाने आएगा, कैमरा उठाने के लिए हिम्मत चाहिए यार, क्रैश होने के बाद कोई बंदा घूम के वापस आएगा कैमरा उठाने, थोड़ा सेंसिबल नहीं लग रहा है। अगर उतना ही वो वापस आता तो वहां रुकता, वो घबरा के हो सकता है भाग गया हो। कैमरा पुलिस को मिल गया, उसमें जो रिकॉर्डिंग थी उसमें अगर से ने 200-250 कुछ ऐसी स्पीड जो है वो कवर की है, बट उसके बाद कैमरा बंद हो गया है और इतनी स्पीड पे उसका क्रैश नहीं हुआ। उसके बाद गाड़ी स्लो हुई होगी, कुछ भी हो सकता है, बम्प आया हो, उसका हेलमेट लूज था, हेलमेट हो सकता है फंस गया हो जिसकी वजह से कुछ दिखा ना हो, गिर गया हो लड़खड़ा के, कुछ भी हो सकता है। जब तक हम जाने ना तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते। बट इसमें जो मेन पॉइंट था कि वो गिरा कैसे, इसको हटाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये एक आर्टिकल आया है, इसमें देखो लिखा हुआ है, पुलिस के अनुसार दुर्घटना की सूचना जो है हाईवे पेट्रोलिंग टीम को 9:58 पे मिल गई थी, 10:02 बाकी हैं। यहाँ पे देखो उसमें जो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो 9:45 बजे तक की मिली है, मतलब 9:45 तक की रिकॉर्डिंग उसमें है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जाहिर ने जो मेरे पास कॉल की है वो 9:55 और 9:56 पे करी हुई है, मतलब 9:45 पे रिकॉर्डिंग बंद हुई। उसके 1-2 मिनट बाद अगर क्रैश हुआ होगा तो जो भी हुआ, सपोज मान लेते हैं 9:47,
उसके बाद आमिर जो है उसने हिलॉक को कॉल करी, एक दो मिनट और मान लेते हैं ठीक है, तो 50 के आसपास चलो ले चलते हैं। हिरॉक ने कॉल की जाहिर को, एक मिनट और मान लेते हैं, तुरंत कॉल की होगी तो एक मिनट का डिफरेंस तो लग ही जाता है। एक मिनट के बाद जाहिर ने मुझे कॉल की, मतलब कि 9:55 पे मेरे पास कॉल आई, 9:45 तक की रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट के अंदर का सारा खेल है, समझिएगा आप। हम मानते हैं कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो 9:46 से लेके 9:51 के बीच में ही हुआ है, सिर्फ 4 या 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है, तभी उसने बताया ठीक है। 5 मिनट का डिफरेंस में उसने क्या कहा है वीडियो में कि भाई पीछे एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत आगे निकल आया था। हाँ बोलो, आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? तो कैसा अभी वो? अबे मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। 5 मिनट के डिफरेंस में वो कितना आगे निकल आया था। एक वीडियो में उसने ये भी कहा है कि मैं खड़ा होकर टोल पे उसका वेट कर रहा था कि कहीं वो बैटरी तो नहीं चेंज कर रहा पीछे गोप्रो की। तो अगर उन्होंने वेट किया होगा तो कितनी देर किया, 1 मिनट 2 मिनट या 1 सेकंड 2 सेकंड, कितना वेट करा ठीक है। दूसरी सिर्फ 5 मिनट का खेल है, और अगर 5 मिनट के अंदर उसे पता चल चुका था कि क्रैश हुआ है तो वो 5 मिनट में उसके पास वापस पहुंच सकता था तुरंत के तुरंत, पॉइंट नोट कर लो। दूसरी चीज, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा जेवर टोल से जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां के बीच में 2 कट मिले मुझे, जहां से आप इधर उधर जा सकते हो इजीली, प्रॉपर कट है, ऐसा नहीं आपको कुछ करना पड़े। तो टोल के बीच में मतलब 1-3 किलोमीटर के आसपास कट था और एक था 6 या 7 किलोमीटर के आसपास कट, वहां से भी वो कट ले सकता था, उसने कट नहीं लिया, उसने सीधे टोल पे जाके वेट किया कि बाकी के जो आगे राइडर हैं वो आ जाए, फिर गाड़ी यहीं खड़ी करके हम फिर जाएंगे उसके पास। तो ये जो है ना, ये बहुत ही खराब लग रहा है मुझे कि उसने ऐसा क्यों करा। सो गाइज, इन दोनों भाइयों ने जो बात करी, आमिर ने अपना प्रूफ दिया, सूरज भाई ने अपना प्रूफ दिया ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप किसको देखते हो किसको नहीं देखते हो वो तो आपके ऊपर है। बट हाँ, मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी अपने प्रो राइडर भाई के लिए ठीक है, वो सिर्फ एक कॉन्डोलेंस के लिए डाला था, वो सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि भाई लिटरली स्पीडिंग बहुत बेकार चीज़ है और स्पीडिंग मैं खुद भी करता हूँ तो मैंने अब बहुत कम कर दिया। बाकी कोई हेट मत फैलाओ यार, कुछ नहीं मिलना इससे ठीक है प्लीज़। और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, तो बस वेट है इंसाफ का। सो गाइज, मैं तो निकल रहा हूँ अपने हरिद्वार ट्रिप के लिए, मसूरी ट्रिप के लिए, तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।